देखिए फ्रेंड्स, फिर हमें बहुत अच्छा कद्दू मिला, ऑर्गेनिक अपने घर में उगाया हुआ कद्दू अपने गार्डन से हमने हार्वेस्ट किया है। तो देखिए कितना अच्छा लगता है फ्रेंड्स जब हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल गार्डन। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छा कद्दू हमें फिर से हार्वेस्टिंग के लिए मिला है और बहुत अच्छे से करेले भी मिले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और जो नए हैं हमारे चैनल पे, जो नए व्यूवर्स आते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार हमें कद्दू मिल चुके हैं लगातार और देखिए फिर से रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब हमें कोई सब्जी वगैरह मिलती है हार्वेस्टिंग के लिए, और अपने हाथों से उगाई हुई जब सब्जियां मिलती है तो उसकी बात ही कुछ और होती है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। देखिए इतना ज़्यादा वज़न हो गया कि ये नीचे एकदम आ गया फिसल के और लटक के नीचे आ गई बेल। और छोटे छोटे बहुत सारे बेबी फ्लावर जो होते हैं, फीमेल फ्लावर, ये बहुत सारे आते हैं लेकिन ये पीले होके देखिए गिर जाते हैं। कोई कोई फ्लावर ही फ्रूट में कन्वर्ट होता है। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, ये भी फ्रूट बनने वाला है और आज हमें हार्वेस्टिंग भी मिलने वाली है। तो बहुत सारे फूल खिलते हैं और बहुत सारे गिर जाते हैं, कोई एक दो बन जाते हैं, तो उसी में बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमें अच्छे से हार्वेस्टिंग मिलती है और हार्वेस्टिंग के बाद हम कौन सी खाद देते हैं जिससे बहुत अच्छे से हमारे प्लांट चलते हैं और बहुत अच्छे से हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। और कई बार आप लोगों से शेयर कर चुके हैं और फिर से आज हमें ये हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। तो ये बेटा हमारा हार्वेस्ट कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को हार्वेस्टिंग करना, उनको भी मज़ा आता है। तो देखिए कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा सॉफ्ट और हेल्दी है। अभी हमने इसे पहले ही कट कर लिया है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा होने नहीं दिया है क्योंकि ज़्यादा जब हार्ड हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। अभी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है और काफ़ी वज़न है, 1.5-2 किलो का है ये। तो जब मिलते हैं ये ऐसे कद्दू तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बता नहीं सकते हैं, हमारी आवाज़ में आप लोगों को लग रहा होगा। और देखिए करेला भी बहुत अच्छे से मिल रहे हैं, कई बार हमने हार्वेस्ट किए हैं और बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी बड़े बड़े भी हो जाते हैं देखिए। और ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाते हैं, आप लोगों से शेयर भी करते हैं जो कुछ भी हम डालते हैं। तो आप लोग भी ऐसे लगा सकते हैं जो बिगनर्स हैं और अभी स्टार्ट नहीं किया है लगाना। तो अभी बहुत अच्छा मौसम है, सर्दियाँ आगे आ रही हैं तो अभी सीड डाल सकते हैं इनके। ये करेला है तो करेले की बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। तो कद्दू और लौकी, ये देखिए लौकी की बेल भी जा रही है ऊपर, तो इसको भी सर्दियों में इसकी हार्वेस्टिंग हमें बहुत अच्छे से मिलने वाली है, तो इसको भी अभी लगा सकते हैं। तो कद्दू, करेला और ये लौकी और तुरई सभी कुछ लगा सकते हैं। तो यहाँ कद्दू की एक बेल है छोटी सी, वो भी ऊपर की तरफ कर देंगे और लौकी भी जा रही है और उसकी कटिंग कर दी है। और बहुत अच्छे से करेला भी हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिलते रहते हैं और बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है जो घर के करेले होते हैं। और देखिए काफ़ी बड़ा करेला है, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और अगर इसे हार्वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो पीले होने लगते हैं, सीड बन जाते हैं और अपने आप से फट के फिर गिर भी जाते हैं पीले होके। तो उन्हीं सीडों से हम और भी प्लांट बना सकते हैं अपने घर के सीडों से। जो ये करेले पीले हो जाते हैं इनमें से जब लगे लगे ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उनसे भी हम लगा सकते हैं करेले। तो ज़्यादातर हम ऐसे ही लगा देते हैं जो सब्जियों के लिए आते हैं या अपने गार्डन के पीले हो जाते हैं, तो उनसे ही प्लांट बनते रहते हैं, काफ़ी सारे प्लांट उगते हैं। देखिए कितने अच्छे से मिल रहे हैं, दिल खुश हो जाता है जब अपने हाथों से लगाई हुई सब्जियाँ तोड़ने को और किचन में बनाने को मिलती हैं। तो जो सब्जियाँ अभी नहीं लगाए हैं तो वो भी लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे सर्दियों का बहुत अच्छा मौसम आ रहा है तो उनमें बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होगी और कीड़े मकोड़े और फंगस का भी खतरा नहीं होता है। कीड़ों का अटैक इधर गर्मी और बरसात में ज़्यादा होता है जब हम सब्जियां लगाते हैं। तो अभी छोटे छोटे बहुत सारे इनमें हैं बेल जो जा रही है, तो छोटे छोटे बहुत सारे करेले हैं, तो वो भी कुछ दिन के बाद फिर से हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। 10 दिन पर करेले अच्छे से मिल जाते हैं, बड़े बड़े, काफ़ी बड़े बड़े भी हो जाते हैं। और अगर ज़्यादा टाइम लग जाता है हार्वेस्टिंग में तो वो फिर पीले होने लगते हैं। तो इसीलिए हमें जितनी भी सब्जियां हैं सभी को जल्दी ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। और जब भी हम हार्वेस्टिंग करें तो उसके बाद अच्छे से खाद वगैरह प्लांट की जड़ों में डाल दें, बेल वाली सब्जियों में हो या फिर बैंगन, मिर्च, टमाटर, कुछ भी हो। तो देखिए कितनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है जब हम अच्छे से खाद वगैरह देंगे, तो बहुत अच्छे से हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी। देखिए जब भी हम हार्वेस्टिंग लें तो खाद देना इसीलिए ज़रूरी होता है कि फिर से उनमें फ्रूटिंग हो और प्लांट में अच्छे से एनर्जी मिल सके फ्रूट बनाने के लिए, जो फ्लावरिंग हो वो झड़े ना। तो इसीलिए देखिए बहुत अच्छे से हमें मिलते रहते हैं
क्योंकि हम बकरी की मैंगनी या गोबर की खाद डालते हैं और उससे बहुत अच्छे से हमें फूल फल और सब्जियां मिलते हैं। देखिए कितना अच्छा कद्दू है, आपको कट करके भी दिखा रहे हैं और आपको आगे दिखाएंगे कि कौन सा फर्टिलाइज़र हम डालते हैं जिससे बहुत अच्छे से सब्जियां हमें मिलती रहती हैं। और बहुत अच्छा देखिए ये कद्दू है, कट करके देखा है तो देखिए कितनी अच्छी है, इसमें कोई ज़्यादा सीड भी नहीं है और बहुत सॉफ्ट है। अभी छोटा ही है, अभी ये और बड़ा होता है, लेकिन ज़्यादा जब पक जाते हैं कद्दू, बड़े हो जाते हैं तो वो टेस्ट नहीं रहता है जितना छोटे पे होता है। तो देखिए कितना अच्छा कद्दू है, कितना फ्रेश ऑर्गेनिक अपने हाथों से उगाया हुआ। बहुत ज़्यादा खुशी होती है फ्रेंड, जो नहीं लगाते हैं सब्जियाँ तो वो ज़रूर लगाएँ, जो फूलों वाले पौधे लगाते हैं तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी लगाना शुरू करें। देखिए बहुत मज़ा आता है जब आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी और अपने हाथों की गई मेहनत जब फल के रूप में मिलेगा, मेहनत का फल, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है और जो हमारी तबीयत होती है वो अच्छी रहती है, इसी में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कंपोस्ट, बकरी की मैंगनी सड़ी हुई और ये चाय की पत्ती और ये हल्दी है और ये इसी में मिला देंगे, और ये राख भी है जो फंगीसाइड का काम करती है, हल्दी और राख। तो ऑर्गेनिक तरीके से ही हम फर्टिलाइज़र डालते हैं अपने प्लांट में, और जो सब्जियाँ होती हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाना अच्छा होता है, अपने हाथों से जब हम उगाते हैं, मेहनत करते हैं तो फिर ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाएं। केमिकल की चीज़ें तो हम मार्केट से ला सकते हैं, खा सकते हैं, तो अपने घर में जब इतनी मेहनत करते हैं तो देखिए अच्छे से गुड़ाई चारों तरफ से कर लेंगे, तो अपने हाथों से उगाएं तो ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालें, यही कोशिश रहती है हम सब की। तो चारों तरफ से हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे क्योंकि इनकी रूट ज़्यादा डीप नीचे नहीं जाती है, और हल्की गुड़ाई करके और फिर इनमें वही मिक्सर जो हम भी मिक्स किया है फर्टिलाइज़र, वही सब डाल देंगे। तो राख बहुत अच्छा काम करती है और हल्दी फंगस वगैरह हटाने का, मिट्टी अच्छी रखने का, और फर्टिलाइज़र भी का भी काम करती है क्योंकि पोटास की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो बहुत अच्छे से इनमें फिर से फ्लूटिंग होगी और फिर आप लोगों से शेयर करेंगे हम हार्वेस्टिंग। तो इससे बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है प्लांट, और ये खाद बहुत अच्छी है। बकरी की मैंगनी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी होती है, कोई इसका कोई नुकसान नहीं है प्लांट पे, और हमें बहुत अच्छे से फ्रूटिंग मिलती रहती है। और हल्दी और राख और चाय की पत्ती, यही सब हम डालते हैं अपने किचन से ही, बहुत सी चीज़ें हमें मिल जाती हैं, तो हम लोग फ्री में ऐसे गार्डनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा महंगी खाद लाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए ये वाली जो खाद है ये हम सभी प्लांट में डालते हैं, ये देखिए ये क्लैंचो है जो अभी विंटर में इसकी फ्लावरिंग होगी बहुत अच्छे से, तो इसमें भी थोड़ी सी दे दी है आप लोगों को दिखाने के लिए। और कद्दू जो हमने हार्वेस्ट किया है उसमें भी देंगे, तो जहाँ पे इसकी जड़ें हैं तो जड़ें इसकी ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं, हल्की हल्की ही गुड़ाई करनी होती है, नहीं तो जड़ कट जाएगी और प्लांट हमारा सूख सकता है। तो इसीलिए हल्की हल्की गुड़ाई चारों तरफ से थोड़ी दूरी से करेंगे, जहाँ पे ये इसकी स्टेम है, जड़ है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर चारों तरफ से हल्की गुड़ाई कर लेंगे। और मिट्टी देखिए मॉइस्ट रखनी है, एकदम सूखी मिट्टी ना रहे, जड़ों के पास थोड़ा मॉइस्चर बना रहे, थोड़ा गीलापन रहे हल्का, और हमेशा नमी बनी रहे। यहाँ पे तुरई की बेल है, यहाँ पे भी हल्की हल्की गुड़ाई कर देंगे और फिर वही वाला जो अभी दिखाया था वही खाद हम डाल देंगे। तो जितने भी हमारे प्लांट होते हैं, चाहे फ्लावर वाले हों चाहे सब्जियों वाले, तो यही सब हम डालते हैं और बहुत अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छे से उनमें फल बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, सब्जियां बनती हैं, और बहुत अच्छे से हमें हार्वेस्टिंग भी मिलती रहती है। और आप लोगों से इसकी वीडियो हम शेयर करते रहते हैं, हमारे चैनल पर है, विजिट करके देख सकते हैं आप लोग, तो इससे फिर से हमें हार्वेस्टिंग मिलेगी और फिर आप लोगों से हम शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को और कैसी लगती है ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।